जिंदगी में स्वाद आता है खाने से और खाने में नमक से। चुटकी भर नमक खाने में जादू का काम करता है। हमारे घरों के किचन में तमाम मसालों के बीच नमक की एक खास जगह है। वो चाहे खाने पीने की चीजों के स्वाद को बेहतर बनाने के लिए हो या फिर उसे प्रिजर्व और प्रोसेस करने के लिए। नमक का जादू कई सालों से चला रहा है। कहा जाता है कि एंशियंट रोम में व्यापार के लिए नमक इतना इम्पोर्टेंट था कि सैनिकों को उनकी इनकम जो है नमक के रूप में दी जाती थी। अब ऐसा करता क्या है नमक? नमक फूड प्रिजर्वेटिव्स के रूप में अनवांटेड माइक्रोब्स को रोकने और फायदेमंद माइक्रोब्स को पनपने में मदद करता है। बैक्टीरिया के ग्रोथ को कंट्रोल करने की वजह से चीज, ब्रेड, सलामी जैसे फर्मेंटेड फूड तैयार होते हैं। पर किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं, नमक की भी। घरों में तो अक्सर हम कहते हैं कि सब्जी में नमक ज्यादा हो गया, लेकिन नमक ज्यादा होने के असल मायने क्या है ये जानते हैं। प्रोसेस्ड फूड में स्वाद बढ़ाने और उसे प्रिजर्व करने के लिए सोडियम क्लोराइड यानी नमक मिलाया जाता है। प्रोसेस्ड मीट, क्रैकर्स, चिप्स जैसी नमकीन चीजें, चटनी, ब्रेड और सोडा जैसे सॉल्टी स्नैक्स, ये वो चीजें हैं जिन्हें नमक के लिहाज से उच्च दर्जे के प्रोसेस्ड फूड में रखा जाता है। इससे कई हेल्थ प्रॉब्लम्स जुड़ी हैं। नमक की ज्यादा मात्रा में सेवन को स्टमक और कोलोन के कैंसर, मोटापे, हड्डियों के कमजोर होने जैसे खतरों के बढ़ने से भी जोड़ा जाता है। ब्लड प्रेशर और हृदय से जुड़ी बीमारियों में सोडियम की भूमिका अहम होती है। खून में जितना ज्यादा सोडियम होगा वो ब्लड वेसल्स में उतना ज्यादा पानी इकट्ठा होने देगा। इसी नमक के कारण हो सकता है हाई ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप, और दिल का दौरा पड़ने का जोखिम बढ़ जाता है। अब बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन के रिसर्च वैज्ञानिक क्रिस्टोफर डमन कहते हैं कि आंतों में मौजूद जीवाणु भी बता सकते हैं कि नमक कैसे बीमारियों का कारण बन सकता है। नमक लगभग किसी भी सूक्ष्म जीव यानी गट फ्रेंडली बैक्टीरिया को खत्म कर सकता है। नमक गट फ्रेंडली बैक्टीरिया और फाइबर से उत्पन्न होने वाले की मेटाबोलाइट्स को कम कर सकता है। ये की मेटाबोलाइट्स ब्लड वेसल्स में सूजन को कम कर सकते हैं और इससे बीपी कम रह सकता है। हाल ही में हुए शोध ये बताते हैं कि नमक के कारण शरीर में मौजूद स्वस्थ जीवाणु कम हो सकते हैं और इससे आपकी पाचन प्रक्रिया पर भी असर पड़ता है, नकारात्मक असर। इस कारण हाई बीपी हो सकता है। इसमें मधुमेह, फैटी लिवर और मोटापे की चुनौतियां भी शामिल हैं। सोडियम के कारण खाने की तलब बढ़ती है। ये खाना आपके दिमाग पर असर डालता है और आपको लत लग सकती है खाने की, एडिक्शन। ये आपकी आंतों के जीवाणुओं पर भी असर डालता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक एक दिन में एक आदमी को औसतन 2000 मिलीग्राम से ज्यादा सोडियम का सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन हो ये रहा है कि दुनिया में सोडियम का औसतन सेवन करीब 4310 मिलीग्राम है। इस कारण नमक का इस्तेमाल भी बढ़ गया है। तो वही मुद्दे की बात, जरूरत है संतुलन की। Life is all about balance. Life is sweet and salty. ऐसे में सवाल ये उठता है कि आप जितनी मात्रा में नमक का सेवन कर रहे हैं उसे देखते हुए अपनी आंतों में मौजूद जीवाणुओं की खुराक का भी ख्याल रखें। इसकी शुरुआत आप प्रोसेस्ड फूड को सीमित करके कर सकते हैं। कम सोडियम और कम शुगर वाली चीजों से ध्यान हटाकर पोटेशियम और फाइबर वाली चीजों पर फोकस बढ़ाया जा सकता है।